नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह तीसरा वीडियो है जिसमें अपन गोगा जी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, गोगा जी जो हैं उनका जन्म ददरेवा गाँव चूरू ज़िले में हुआ है विक्रम संवत 1009 को, और इनकी जाति जो है वो नागवंशीय चौहान हैं। इनकी गोगा जी चौहान वंश के थे, और वो भी कौन से चौहान? नागवंशीय चौहान। और इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। इनके माता का नाम बांछल देवी था। माता का नाम क्या था? बांछल देवी। और पिता का नाम था जेवर सिंह, और जेवर सिंह की संतान हुई गोगा जी। और गोगा जी को जाहर पीर, जिंदा पीर और सांपों का देवता भी बोलते हैं। जिंदा पीर, जाहर पीर और सांपों का देवता गोगा जी को बोला जाता है। गोगा जी के जो गुरु हैं वो गोरखनाथ जी हैं। गोगा जी के गुरु कौन हैं? गोरखनाथ जी। दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिए, गोगा जी के गुरु जी गो से गो गोरखनाथ, गोगा जी गोरखनाथ, गोगा जी गोरखनाथ जी, गोगा जी गोरखनाथ जी। तो गोगा जी के गुरु जी कौन हैं? गोरखनाथ जी। गोगा जी की जो पत्नियाँ हैं, दो पत्नियाँ थी भाई गोगा जी की। तो पहली पत्नी थी कैलम दे, जो कोलुमड़ की राजकुमारी थी। कैलम दे कहाँ की राजकुमारी थी? कोलुमड़ की राजकुमारी थी। दूसरी इनकी पत्नी है सरियल। सरियल जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ की राजकुमारी थी सरियल। इन दोनों से गोगा जी ने शादी की, और कैलम दे और सरियल से गोगा जी को 47 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई? 47। 47 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई गोगा जी को, कैलम दे और सरियल के द्वारा 47 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और दोस्तों, एक बार क्या होता है कि गोगा जी जो काम करते थे वो करते थे वो सीमा की रखवाली का। तो उसके बाद इन्होंने शादी की और इनके 47 पुत्र हुए। तो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटा, तो मंदिर को लूट कर वह जा रहा था। उस समय सांचौर नामक एक जगह है जो नागौर में है, और वहाँ की गाय बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो सांचौर नागौर में गायों को लूटने लग गया। वो कौन? महमूद गजनवी। किसको लूटने लग गया? सांचौर की गायों को। और इस बात का पता चल गया दोस्तों गोगा जी को। तो गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 52 भतीजों और एक खुद पूरी 100 जनों की सेना लेके चला गया वहाँ। और गोगा जी युद्ध करने लगा, किससे? महमूद गजनवी से। और युद्ध में वह लड़ते लड़ते अपने 47 पुत्रों और 52 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए गायों की रक्षा करते हुए। दोस्तों, जो शीर्ष मेढ़ी है, गोगा जी की दो मेढ़ियाँ हैं, जो शीर्ष मेढ़ी है वो ददरेवा चूरू में है। उनके जो जन्म स्थान है वही है। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू में। इसका पुजारी जो होता है वो मेघवाल जाति का भोपा होता है। डेरू बजाते हुए फड़ बाँसता है। तो वाद्य यंत्र क्या हो गया गोगा जी का? डेरू। और इसको बजाते हुए मेघवाल जाति का भोपा है वो गोगा जी की फड़ बाँसता है। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू में। अब बात करते हैं धुरमेढ़ी। धुरमेढ़ी का मतलब है धड़। धड़ यानी कि जहाँ सिर के नीचे वाला भाग। तो धड़ मेढ़ी मेढ़ी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में। और दोस्तों, यह धुरमेढ़ी जो है ये यहाँ होने का कारण क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि धुरमेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, और इसका पुजारी जो होता है वो एक मुसलमान होता है, और इन्हें चायल कहते हैं। इन मुसलमानों को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। यानी कि धुरमेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, इसका पुजारी मुसलमान होता है, और इन मुसलमानों को क्या बोलते हैं? चायल कहते हैं। तो दोस्तों, धुरमेढ़ी जो वो नोहर हनुमानगढ़ में क्यों, इसके पीछे कहानी यह है कि जब महमूद गजनवी से गोगा जी युद्ध कर रहे थे, उस समय सबसे पहले उसके 47 पुत्रों और 52 भतीजों का सर काट दिया था मुगलों ने लड़ाई करते करते। और लास्ट में सर किसका काटा? गोगा जी का। लेकिन सर कटने के बाद भी गोगा जी लड़ते रहे, और यह देखकर गोगा जी के बिना सिर के धड़ को देखकर इनके 47 पुत्र और 52 भतीजे जो मरे हुए पड़े थे वो जिंदा हो गए, और बिना सिर के वो भी मुगल सेना से लड़ने लगे। और मुगल सैनिकों के पीछे मुगल सेना जो है वो डर कर भागने लगी, और गोगा जी और उनके जो पुत्र और भतीजे थे उन्होंने हनुमानगढ़ नोहर तक उनका पीछा किया, और वहाँ आके वो धड़ गिरे, और वहीं ये धुरमेढ़ी बनाई गई है। दोस्तों, ऐसी
मान्यता है। तो अपन लोक संस्कृति पढ़ रहे हैं जिसमें मान्यताओं पर ये आधारित होती है। अब इसके पीछे का जो इतिहास है वो यही है कि धड़ सिर कटने के बाद भी धड़ उनका लड़ता रहा था। बाकी सच्चाई दोस्तों क्या है, मरने के बाद भी उसके 47 पुत्र 52 भतीजे बिना सर के लड़ने लग गए, क्या ये सही है नहीं है, लेकिन लोक मान्यता ऐसी है और अपने को वही माननी पड़ेगी। और बिल्कुल सही बात भी है, जो कहानी बनती है वो किसी आधार पे बनती है और ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा जो है बताया जाता है। तो राजस्थान की संस्कृति में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जो आपको ऐसी लगेंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन दोस्तों उनकी जो मान्यताएं हैं लोगों की, और मान्यताएं तभी बनती हैं जब ऐसा हो चुका होता है। और सबसे ताज़ा उदाहरण है आपके सामने जो बुलेट वाले देवता हैं अपने, उनका तो बन्ना जी जो हैं वो, और युद्ध में दोस्तों इनके 47 पुत्र 52 भतीजे शहीद हो गए थे, वो भी फिर खड़े हो गए बिना धड़ के, सॉरी बिना सिर के, और उनका धड़ भी लड़ता रहा। और ये नागौर में जाके हनुमानगढ़ में ये जो धड़ थे इनके गिरे, तो वहीं जो धुरमेड़ी बना दी गई, जिसका मुसलमान जाति, मुसलमान एक पुजारी होता है जिसका, और चायल जाति का पुजारी होता है, यानी कि मुसलमान जो पुजारी होता है धुरमेड़ी में उनको चायल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोगा जी के बारे में अपन ने अध्ययन किया, इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन गोगा जी की जो छतरी है उसके ऊपर बिस्मिल्ला लिखा हुआ होता है। गोगा जी की छतरी के ऊपर क्या लिखा होता है, बिस्मिल्ला लिखा हुआ होता है। जो गेट होता है उसके ऊपर एक सर्प का निशान बना होता है, गेट के ऊपर बना होता है सांप का निशान, और छतरी के ऊपर लिखा होता है बिस्मिल्ला। और यह मंदिर मकबरे के जैसा है, यह जो मंदिर है गोगा जी का जो मंदिर है वो मकबरे के जैसा है। इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर का आकार कैसा, मकबरे जैसा है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान जो स्वरूप है गोगा जी का जो मंदिर है उसका जो वर्तमान स्वरूप है वह बीकानेर के राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया है। और अब बात कर लेते हैं गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्स में प्रश्न इसमें से आते हैं। तो दोस्तों पहला जो तथ्य है वो यह है कि गोगा जी कायम खानी मुसलमानों के आराध्य देवता हैं। गोगा जी किस जाति के मुसलमानों के आराध्य देवता हैं, कायम खानी मुसलमानों के आराध्य देवता हैं। गोगा जी का मंदिर जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है इनकी, इनकी ध्वजा कैसी होती है, सफ़ेद रंग की। गोगा जी का प्रतीक जो है वो प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प। गोगा जी की घोड़ी का रंग है नीला। दोस्तों गोगा जी की जो घोड़ी है उसका रंग कैसा है, नीला रंग है। हलोत्या करते समय, हलोत्या का मतलब होता है जब पहली बार बारिश होने के बाद पहली बार जब किसान बैलों को या ऊंट को लेकर के हल जोतने के लिए जब जाता है तो उसको हलोत्या बोलते हैं। तो हलोत्या करते समय हल व हाली, हल तो जिससे जोतते हैं अपन, और हाली जो किसान जो होता है उसको हाली बोल देते हैं। हल व हाली को उनके परिवार की कुंवारी कन्या एक राखी बांधती है जिसे गोगा राखड़ी बोलते हैं। ठीक है, गोगा राखड़ी व रक्षाबंधन की राखी गोगा नवमी को गोगा जी को चढ़ा दी जाती है, ऐसी मान्यता अपने राजस्थान में प्रचलित है। तो दोस्तों ये थे गोगा जी, और गोगा जी के बारे में अपन ने इस वीडियो में बात की। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों एक अन्य लोक देवता के बारे में, और वो हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास के बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, वो आपको पूरा तैयार करवाएंगे ऑनलाइन। आप इसी प्रकार नोट्स को तैयार करते रहिए ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा। जब एग्ज़ाम आएगी तब एक ही बार आपको इन नोट्स को देखना होगा और आपका काम बढ़िया बन जाएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियोज़ को बार बार देखते हो तो दोस्तों उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बार बार वीडियो देखने से याद आपको जल्दी होगा, यानी कि बोला भी गया है कि सुनने से सबसे ज़्यादा याद होता है। जब हम किसी दूसरे की बात को सुनते हैं तो अपन जब बात सुनते हैं किसी की तो अपने को जल्दी याद होती है, तो
आप वीडियो को अगर बार बार देखोगे, वीडियो को अगर बार बार देखोगे, तीन चार बार देख लोगे, तो आपका वो टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आप गोगा जी वाले को या किसी भी एक वीडियो को एक बार ट्राई ज़रूर करना दो से चार बार देखने की। आप देखोगे तकरीबन 70-80% आपको याद हो जाएगा बिना लिखे हुए, और ऊपर से आप अगर उन्हें लिख भी लोगे और एक दो बुक से पढ़ भी लोगे तो आपका वो टॉपिक इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।